बच्चों में ये कंपाउंड दे रखा है, सीएससी एमजीबीआर दे रखा है एक्सेस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोडक्ट ए। तो बच्चों देखो, तुम्हें पता होना चाहिए ये जो मैं कंपाउंड दे रखा है इट इज अ एस्टर गैस। तो एक काम करते हैं, एस्टर में देखते हैं क्या रिएक्शन होती है जब ग्रिग्नार्ड रीजन उसे अटैक करता है। तो बच्चों अटैक करेगा तो ये इधर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, आर डैश ओ माइनस बाहर जाएगा, तो सबसे पहले बनेगा आर सी, ये यू विल गेट अ कीटोन एंड यू विल गेट आर डैश ओ माइनस, उसको हम आर डैश ओ एम जी एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आर डबल डैश एम जी एक्स एक्सेस में है तो हमें पता है कीटोन्स के बाद भी रिएक्शन हो जाती है ग्रिग्नार्ड की, तो इन दैट केस व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। मैं इधर बनाता हूँ आर सी आर डबल डैश ओ एच, दिस द प्रोडक्ट दैट यू गेट। पहले ओ माइनस बनेगा लेकिन जब तुम हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वो ओ एच बना देगा। क्लियर है या नहीं बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं है? आर डबल डैश ने अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओ पे नेगेटिव चार्ज आया, और जब हाइड्रोलिसिस किया तो ओ माइनस का क्या बन गया बच्चों, ओ एच। तो अब गाइस रिएक्शन पे आते हैं जो मैं दे रखी है, ये है और हमने वो क्या ले रखा है, सी एस सी एम जी एक्स ले रखा है हमने। तो डू यू रियलाइज गाइस, सी एस सी यहां पे अटैक करेगा, ई टी ओ माइनस बाहर जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है? यू लैव ई टी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस सी। यहां पर क्या है, फिर से सी एस सी एम जी एक्स अटैक करेगा क्योंकि अगेन यू हैव गॉट अ एस्टर बच्चों, ये हटेगा ये जुड़ेगा, क्लियर है बच्चों? बिजली ऐसे सोचो, यू हैव गॉट टू एस्टर ग्रुप्स, वन ओवर हियर वन ओवर हियर, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो ये फिर से अटैक करेगा, इस बार दूसरा OED बाहर जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस बच्चों। एक और हमारा क्या बाहर निकल चुका है, ईडीओ माइनस बाहर निकल चुका है। अब हमारे पास कीटोन बना है, हमें पता है कीटोन अंडरगो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज बेसिकली द सेकंड रिएक्शन दैट आई टोल्ड यू, कीटोन से एल्कोहल तक जाना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? इस बार क्या होगा, सी एस सी यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, ओ माइनस बनेगा, बट ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव अस ओ एच गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया था। हमें सी एस सी एम जी एक्स एक्सेस में दे रखा था, तो उससे ये देखो एक्सेस में दे रखा है, सो इससे दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, ओके।